राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत इन दिनों एक गंभीर मेडिकल कंडीशन हैप्पी हाइपोक्सिया बीमारी से जूझ रहे हैं। कोविड-19 से जुड़ी इस मेडिकल कंडीशन को इसके नाम के चलते हल्के में लेने की भूल ना करें। मेडिकल साइंस में इस बीमारी को हैप्पी हाइपोक्सिया, साइलेंट हाइपोक्सिया और कोविड हाइपोक्सिया भी कहते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया के क्या लक्षण हैं? ये हाइपोक्सिया कई कारण से होता है। साधारण व्यक्ति को ऊंचाई पे जाने में भी, लेह लद्दाख सियाचिन जैसे एरियाज में भी हाइपोक्सिया होता है, और कोई बीमारी हो जाती है, निमोनिया हो जाए, कोई अदर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए तो भी हाइपोक्सिया होता है। क्या हैप्पी हाइपोक्सिया और कोविड हाइपोक्सिया अलग अलग है? हैप्पी हाइपोक्सिया एक टर्म जो थी वो कोविड के दौरान पहली बार काम में आई, जिसमें हाइपोक्सिया होने के बावजूद व्यक्ति को ये पता नहीं पड़ता कि उसके कोई परेशानी है। क्या शरीर में ऑक्सीजन लेवल घटने पर भी पता नहीं चलता? जब ऑक्सीजन कम होता है तो सांस भरने लगती है, मरीज को परेशानी होती है खींच खींच के सांस लेने की, और उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। 6 मिनट का वॉक टेस्ट। 6 मिनट तक अगर पैदल चलता है और उसको कोई लक्षण नहीं होते तो संभावना यह है कि उसके हाइपोक्सिया नहीं है। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से करें संपर्क। किसी प्रकार की भी सांस में दिक्कत हो, खांसी जुकाम ज्यादा हो रहा हो, परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्या इस बीमारी का कोई घरेलू इलाज है? कोई ऐसे घरेलू नुस्खे या उपाय नहीं है कि पहले वो करके देखे जाए कितने में देर हो सकती है, तो तुरंत डॉक्टरी मदद की लिए जाना चाहिए। किन लोगों को है ज्यादा खतरा? हार्ट पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट, कैंसर पेशेंट और गर्भवती महिलाएं। पूर्व सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे साथ भी कोविड के कारण हैप्पी हाइपोक्सिया की स्थिति बनी, लेकिन डॉक्टर्स ने समय रहते पहचान लिया। अगर आपको शरीर में कोई भी परेशानी लगे तो अपना ऑक्सीजन लेवल जरूर चेक करते रहें। कई बार मरीज को भी पता नहीं चलता क्योंकि सांस लेने में भी तकलीफ नहीं होती। अगर समय पर डायग्नोसिस ना हो तो मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है। दैनिक भास्कर के लिए जयपुर। हैप्पी हाइपोक्सिया नाम से आपको लग रहा होगा कि आज मैं आपको कुछ हैप्पीनेस बातें बताने जा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको जिस हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ भी हैप्पी नहीं है। असल में ये कोरोना का एक नया लक्षण है। आखिर ये हैप्पी हाइपोक्सिया है क्या और ये किस तरह मरीजों की स्थिति को बिगाड़ रहा है, इस लेकर हमने बात की है भोपाल के MD हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर VK भारद्वाज से, और उन्होंने हमें इसके बारे में जो जानकारी दी है हम उसे और भी आसान भाषा में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोरोना महामारी को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, फिर भी नए नए लक्षण अब भी सामने आ रहे हैं। सर्दी बुखार खांसी से शुरू होकर ये इन्फेक्शन गंभीर निमोनिया और सांस लेने की समस्या तक पहुंचता है। नए लक्षण हैप्पी हाइपोक्सिया ने एक्सपर्ट को भी चकित कर दिया है, क्योंकि भारत में दूसरी लहर में इन्फेक्टेड ज्यादातर युवाओं को इसका ही सामना करना पड़ रहा है। हाइपोक्सिया का मतलब है खून में ऑक्सीजन के स्तर का बहुत कम हो जाना। एक स्वस्थ व्यक्ति के खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% या इससे ज्यादा होता है, लेकिन कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन सैचुरेशन घटकर 50% तक पहुंच जाता है। हाइपोक्सिया की वजह से किडनी, दिमाग, दिल और कई प्रमुख अंग काम करना बंद कर सकते हैं। ऐसे कोरोना मरीजों में शुरुआती स्तर पर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते और वो ठीक यानी हैप्पी ही नजर आते हैं। इस दौरान शरीर में वायरल लोड तो होता है और उसकी वजह से फेफड़ों को नुकसान भी पहुंचता है। ऑक्सीजन का स्तर नीचे जाता है और नजर ना रखें तो ये 50% तक भी पहुंच सकता है। फिर अचानक सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी, घबराहट, पसीना आना, चक्कर आना और आंखों के सामने अंधेरा छा जाने जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। 2 दिन पहले तक सामान्य नजर आ रहा एक मरीज अचानक से वेंटिलेटर पर पहुंच जाता है। अब सवाल ये है कि जिनमें कोई लक्षण नहीं या मामूली लक्षण हैं, वो हैप्पी हाइपोक्सिया को कैसे पहचाने? इस बारे में डॉक्टर VK भारद्वाज बताते हैं कि हैप्पी हाइपोक्सिया में होठों का रंग बदलने लगता है, वो हल्का नीले रंग का होने लगता है। त्वचा भी लाल या बैंगनी रंग की होने लगती है। गर्मी ना होने या एक्सरसाइज ना करने के बाद भी लगातार पसीना आता है। ये खून में ऑक्सीजन के कम होने के लक्षण होते हैं। लक्षणों पर नजर रखने से जरूरत पड़ने पर तत्काल अस्पताल में मरीज को भर्ती कराया जा सकता है। अब सवाल ये कि आखिर ये समस्या युवाओं में ही क्यों नजर आती है? इसकी 2 प्रमुख वजह हैं। पहली, युवाओं की इम्यूनिटी मजबूत होती है। दूसरा, उनकी ऊर्जा अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है।
अगर उम्र ज्यादा है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन का 94 से 90% होना महसूस होता है, जबकि युवाओं को 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन पर भी लक्षण मालूम नहीं होते, ना ही महसूस होते हैं। वो कुछ हद तक हाइपोक्सिया को सहन कर जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि कोरोना 85% लोगों में माइल्ड, 15% में मॉडरेट और 2% में जानलेवा साबित हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर युवाओं में माइल्ड लक्षण होते हैं, इसलिए अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने में देर हो जाती है, इससे उनकी मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। अब सवाल ये कि ऐसे नए लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जा सकता है। कोरोना के जिस तरह नए लक्षण सामने आ रहे हैं, माइल्ड से मॉडरेट और क्रिटिकल हो रहे मरीजों को अलर्ट सिग्नल की जानकारी होना बेहद जरूरी हो गया है। इस बारे में डॉक्टर वी के भारद्वाज कहते हैं कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स की एक साइंटिफिक कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि लक्षणों पर कोरोना अलर्ट जारी किया जा सके। रैशेस, डायरिया, जोड़ों का दर्द भी कोरोना के नए लक्षण हैं, जिन्हें राज्य या केंद्र के आरटीपीसीआर टेस्टिंग प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया गया है। अधिकांश केस म्यूटेंट वेरिएंट की वजह से आरटीपीसीआर में भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। डेली मेडिकल बुलेटिन जारी करने से माइल्ड केसेस को क्रिटिकल होने से रोकने में मदद मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा युवाओं की जान बचाई जा सकेगी। इस तरह के और भी नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए